वेलकम टू टेक ऑनलाइन क्लास। इस वीडियो में हम आज काउंट, काउंट ए एंड काउंट ए फार्मूला सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, काउंट काउंट फार्मूला इज सम ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही टोटल काउंट करता है, और काउंट ए फार्मूला इज सम बोथ वैल्यू न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट वैल्यू। काउंट ए फार्मूला न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट वैल्यू को काउंट टोटल काउंट करता है। काउंट इफ कंडीशन बेस पे काउंट आपको आंसर देता है। यहाँ पर देखते हैं काउंट फॉर्मूला। जैसे हमें जो फाइंड आउट करना है टोटल आईडी, टोटल आईडी क्या है हमारी न्यूमेरिक वैल्यू। देख सकते हैं हमारे टोटल आईडी जो है न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसके लिए हम यूज करेंगे काउंट फार्मूला। क्योंकि ऑफिस में कभी कभी पूछ लेते हैं बताइए टोटल आईडी कितनी है, टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है, इनके काउंट बताइए हमें कितने नंबर्स हैं। तो हमने सेलेक्ट किया रेंज एंटर। देखिए इस काउंट फार्मूले ने हमें आंसर जो दिया है 21, पर हमारे जो यहाँ पे इस रेंज में हमारे कितने वैल्यू जी थी 22, क्योंकि इसमें एक टेक्स्ट वैल्यू भी है, टेक्स्ट वैल्यू को इसने काउंट नहीं किया, इसलिए हमारे यहाँ पर जो आंसर है 21 आया। अब हम काउंट ए फार्मूला यूज करेंगे। काउंट ए फार्मूला में हमें बताया गया कि न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट वैल्यू दोनों को ही काउंट करता है। आईडी सेलेक्ट करी और यहाँ देखिए फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको फर्क कि काउंट वैल्यू का सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू का ही काउंट टोटल काउंट आया, और टोटल नंबर में इस कॉलम में जितने भी वैल्यू थी उस सब का टोटल काउंट आया। आप इसको थोड़ा एडवांस काउंट इफ काउंट का थोड़ा एडवांस लेवल देखते हैं। काउंट इफ फार्मूला, इस काउंट इफ फार्मूले में हम इफ कंडीशन, जहाँ कंडीशन की बात आती है वहाँ पे काउंट इफ फार्मूला देखते हैं। काउंट इफ, अब हमें जो यहाँ पे फाइंड करना है प्रोडक्ट क्वांटिटी। प्रोडक्ट क्वांटिटी में कंडीशन क्या है कि 50 से ज़्यादा वाले, यहाँ पर इन दो रेंज एक रेंज सेलेक्ट करेंगे। क्या रेंज है हमें, प्रोडक्ट क्वांटिटी चाहिए हमें, और कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है हमारा कि 50 से ज़्यादा वाले कितने काउंट हैं, टोटल काउंट बताइए हमें उसका। तो 4 इस कॉलम में, इस कॉलम प्रोडक्ट क्वांटिटी कॉलम में 50 से ज़्यादा जितने भी नंबर्स होंगे उनके टोटल काउंट बता देंगे हमें। तो ये हमारा आंसर है 4 आया। वैसे दूसरे क्वेरी में देखते हैं काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट की हमने अमाउंट की, और क्राइटेरिया है हमारा कि 5000 से कम कितने नंबर्स वो हमें टोटल बताएं 13। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हमने काउंट, काउंट ए एंड काउंट इफ फार्मूला सीखा। आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों फार्मूला समझ में आया। अगर आपको कोई प्रैक्टिस करते वक्त आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मेरे नए वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स for my watching this video. Thank you.